दोस्तों, यहूदी धर्म के लोग जब अपनी इबादतगाह में जाते हैं तो वो भी मुसलमानों की तरह नमाज पढ़ते हैं। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि मुसलमान, ईसाई, यहूदी, ये तीनों ही धर्म इब्राहिमी धर्म हैं। और यही वजह है कि इन तीनों धर्मों में बहुत सारी चीजें सेम यानी एक जैसी पाई जाती हैं। जिस तरह मुसलमान नमाज से पहले अजान देते हैं तो इसी तरह यहूदी भी अपनी अजान देते हैं। और जिस तरह मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं तो इसी तरह यहूदी भी अपनी इबादतगाह में जाकर नमाज पढ़ते हैं, मगर उनकी नमाज मुसलमानों की नमाजों से बहुत अलग है। दरअसल आपको बता दें कि यहूदियों की नमाज पढ़ने का तरीका कुछ अजीब तरह का है। दरअसल यहूदी सबसे पहले नमाज की नियत बांधते हैं और नियत बांधने के बाद खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद सजदे में चले जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर सजदे में चले जाते हैं और फिर सजदे से उठकर जमीन पर लेट जाते हैं। कभी जोर जोर से खुदा को पुकारते हैं तो कभी खड़े होकर झूमने लगते हैं और नमाज के दौरान इनका रुख यरूशलेम की तरफ होता है। फिलहाल दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर।